सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि आप अगर किसी सिटी के कोनों खुदरों में चले जाए, मतलब ऐसे एरियाज बहुत ज़्यादा ओपन एंड कॉमन नहीं होते और लोग वहाँ पे जाते हैं और जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी सिटी की बहुत सारी ऐसी स्ट्रीट्स हैं जो अभी तक नहीं देखी, और अभी तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मुझे कभी टाइम ही नहीं मिलता कि मैं देखूं, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ भी जाना चाहिए। अभी मैंने एक शर्ट देखी है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है। आए मेरे साथ। Interesting place. ये एक कॉफी हाउस है, कैफे गार्डन लॉबी, यानी कैफे गार्डन लॉबी। ये एक कैफे शॉप है जो कि गार्डन के अंदर मौजूद है। जैसा कि आप इसकी सराउंडिंग्स देख सकते हैं, पीपल आर सिटिंग इनसाइड एंड सम पीपल दे यूज टू सिट आउटसाइड। और इसके साथ एक बहुत ही लुक कम यार I need this one. I want to buy that. And I don't know its cost kya hai. And this is my favorite shop. And I'm going to come tomorrow, maybe day after tomorrow. And main yahan se shopping karne wali hu. Aaye zara thoda aage leke chalte hain. और आपको दिखाते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है, अगर आप चाहें तो दिखा सकते हैं वैसे बाय द वे। सो मैं आपको बता रही थी कि ये मेरा फेवरेट कॉफी हाउस है, जो कि कैफे गार्डन लाओ इसका नाम है। और ये बियर गार्डन भी है, लोग यहाँ पर बैठ के कॉफ़ी पीते हैं और इन्जॉय करते हैं। और इसका एटमॉस्फेयर अगर आप चारों तरफ से ये देखें तो बहुत ही एक्सीलेंट है। ये कोई पुराना दरख्त है और उस पर बहुत सारे प्लांट्स हैं और लोग यहाँ पे इस एटमॉस्फेयर को इन्जॉय करते हैं। और अगर आप अंदर चलें, लेट मी गो, and if you will see the surroundings and their color combinations, they are so lovely. So guys, आपको मैं थोड़ा सा इसका इंटीरियर दिखाती हूँ, कलर कॉम्बिनेशन और इसका इनसाइड एटमॉस्फेयर, जिसको कि लोग बहुत इंजॉय करते हैं। एंड आई लव दीज कलर्स, इफ यू विल सी दे आर सो प्लेजेंट, सो नाइस एंड फंकी। सो कम इनसाइड, आई विल शो यू। it's on the very prominent place of the city. So guys, this cafe is very very interesting place to visit. अगर आप यहाँ पे आए तो इसकी चारों तरफ विंडोज से आप आउटसाइड बाउंड्रीज भी नोटिस कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो ये एक हिस्टोरिक बिल्डिंग है, इनसाइड आप देख रहे हैं यहाँ पे इनका, थोड़ा सा दिखाएंगे वो पिक्चर्स, एज यू कैन सी। तो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इसके सीलियो में पूरी जगह पे डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स लगी हैं। दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल, डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट वर्क, यू कैन सी डिफरेंट पिक्चर्स, ओह वाओ, दे आर ऑल beautiful paintings. Oh wow, how nice. And look at here, I think this looks kind of European and African paintings. I can see there you can see different paintings jo ki show karti hain inke jo owner hain unka kafi इंटरेस्ट है पेंटिंग्स में। और लुक एट दिस, इट्स क्वाइट हिस्टोरिक एंड ओल्ड स्टाइल लाइट्स, एंड यू कैन सी द रूफ, इट हैज वेरी स्पेशल इफेक्ट, फ्लावर्स एंड बटरफ्लाइज
और यहाँ पे लोग आकर बैठते हैं और ये इसकी वॉल्स ही बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आई लव द आर्ट वर्क. सर क्या है, कैन यू शो द आर्ट वर्क ओवर हियर? और ये इसका एक बहुत ही खूबसूरत एटमॉस्फेयर है, बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही नाइस. एंड इफ यू विल सी हियर यू कैन हैव अ वेरी प्लेजेंट फील. तो मुझे लगता है कि एंजॉयमेंट के लिए किसी पर्टिकुलर डे की ज़रूरत नहीं होती. आप कभी भी किसी भी जगह जाएं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उस जगह की खूबसूरती क्या है, उस जगह की स्पेशलिटी क्या है और आप किन किन तरीक़ों से एक जगह पे इंजॉय कर सकते हैं. तो आज हम इस छोटे से कैफ़े में आए हैं जिसके के इंटीरियर, जिसकी की लाइट सिस्टम, जिसका सिटिंग अरेंजमेंट और लोगों के इंजॉय करने का स्टाइल आज हमने शेयर किया. तो डेफिनेटली तो अभी मैं आपको बाकी की चीज़ें दिखाऊंगी कि इसका एटमॉस्फेयर बाहर से कैसा दिखता है. तो बाहर चलते हैं. ये आपने ऊपर देखा कि इसके साथ रेजिडेंशियल एरिया है, लोग यहाँ पे मेरा ख्याल ऊपर से भी देख सकते हैं कॉफ़ी एंड इस पूरे एटमॉस्फेयर को जब लोग यहाँ पे बैठते हैं. इट लुक्स गुड ना वे. ओके आई शो यू समथिंग, कम. सो गाइज आई होप दैट यू हैव इंजॉयड दिस एटमॉस्फेयर. और लोग यहाँ पे बहुत मज़े मज़े के खाने भी खा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है हमें थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा और तब हम आपको कुछ आगे भी दिखा रहे हैं. लाइट्स को वहाँ पे किस तरह से लोग बिहेव करते हैं, कोई भी कंट्री हो, कोई भी सिटी हो, आपको पता होना चाहिए कि लोगों के वे ऑफ लिविंग क्या होते हैं. वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें लगती हैं जब आप कल्चर्स को रिसर्च कर रहे होते हैं, जब आप हिस्ट्री को जानना चाहते हैं या जब आप लोगों के इंजॉय करने के तरीकों को सीख रहे होते हैं या उनको स्टडी कर रहे होते हैं. तो दिस इज़ द बेस्ट वे, कहीं भी चले जाएँ डाउन टाउन लोगों के पास, होटल्स में, कैफेज में, और जाकर अपना डे स्पेंड करें. तो ये कोई बहुत ऐसे प्लान करने की चीज़ नहीं है. यू कैन हैव लॉट ऑफ फन विद डिफरेंट फूड्स, विद डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट कल्चर्स. सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट के जिनके पास भी ये चांस है कि वो जर्मनी आए विज़िट करें, तो इस तरह के ओल्ड स्टाइल कैफेज को ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मेरी तरफ से बहुत सारी गुड विशेज़ और enjoy your life. Bye-bye.